पुलन देवी को जब पुलिस पकड़ने गई थी ना, तो पुलिस के पसुए थी, रात भर सोए रह गई, हिलबे नहीं की, बाद में पुलिस चली गई। पुलन देवी के साथ अत्याचार भी बहुत ज्यादा हो। हमेशा याद रखिएगा, जब खूबसूरत कांच टूटता है तो धारदार हथियार बन जाता है। बल्कि डाकू सुने हैं? अरे बाबू, ये इसी एरिया है पूरा। देखिए, चंबल के डाकुओं का ये पूरा एरिया है। देखिए, ये रहा है राजस्थान, मध्य प्रदेश और यूपी। ये चंबल और नदियों का बिहड़ क्षेत्र है। बिहड़ में क्या होता है ना, 10 कदम चलिएगा तो फिर जमीन ऐसे 10 कदम धंस जाएगा, फिर निकलेगा, फिर धंसेगा, ऐसे ऊबड़ खाबड़ जमीन होती है। समझा गया? बिहड़ की जमीन जो होती है ऊबड़ खाबड़ होती है, तो उसमें छुपने में बड़ा इजी होता है। पहली बात, बिहड़ में 4-व्हीलर घुस नहीं पाएगा, कहानी खत्म, बाइक घुस नहीं पाएगा, तनी से चलेंगे गढ़हा गुड़ई ईद, बस अब आइए पैदल। अब पैदल कितना लोग जाएंगे वहाँ बिहड़ में, और छुप जाता है सब बिहड़ में, रात का इंतजार करता है। फूलन देवी को जब पुलिस पकड़ने गई थी ना, तो पुलिस के पसुए थी, पुलिस की जहाँ पे एसपी साहब थे ना, उसके थोड़े दूर पे थे फूलन देवी, रात भर सोए रह गई, भीड़ में हिलबे नहीं की, बाद में पुलिस चली गई। समझ में आ गया कि नहीं गया? फूलन देवी के साथ अत्याचार भी बहुत ज्यादा हो गया। उतना भी किसी को नहीं सताना चाहिए कि कोई, हमेशा याद रखिएगा, जब खूबसूरत कांच टूटता है तो धारदार हथियार बन जाता है, इसलिए उसे टूटने से बचाइए। फूलन देवी को अत्याचार का हद कर दिया लोग, मार दी यूं ले जाके, बैंडिट क्वीन। आगे बढ़े, चलिए अब आगे देखते हैं। भिंड और मुरैना किस लिए प्रसिद्ध है? चंबल के लिए। आपको एक चीज हमेशा बताएं, आप गौर कर रहे हैं कि नहीं, जब भी इस टाइप की घटना होगी बॉर्डर एरियाज के पास होगी, ताकि इधर की पुलिस उधर जाने में ना झमेला होता है, रिमांड पे आना पड़ता है, फिर जाके यहाँ अरेस्ट करना पड़ता है, फिर ट्रांजिट रिमांड लेना पड़ता है, बहुत झमेला होता है। आप समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो ये डकैती के लिए बहुत प्रसिद्ध जगह था भिंड और मुरैना का एरिया।